गुड मॉर्निंग दोस्तों, आर्टिकल 243 जेड सी पार्ट 9 ए द म्यूनसिपालिटी पार्ट क्या है इस आर्टिकल में, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। इसमें ये बताया गया है कि स्टेट में यूटी में म्यूनसिपालिटी है, बट कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे म्यूनसिपालिटी नहीं है, वो कौन कौन सी जगह है उसके बारे में। फर्स्ट, नथिंग इन दिस पार्ट सेल अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरिया रेफर टू इन क्लोज वन एंड द ट्राइबल एरियाज रेफर टू इन क्लोज टू ऑफ आर्टिकल 244। इसमें यह है कि जो आर्टिकल 244 है ना, इसके क्लोज वन में शेड्यूल एरियाज के बारे में है और वहां पे म्यूनसिपालिटी नहीं है, और दूसरा इसी आर्टिकल के क्लोज टू में ट्राइबल एरिया के बारे में वहां पे म्यूनसिपालिटी नहीं है। इतनी सी बात ये इस क्लोज फर्स्ट में बोल रहे हैं। सेकेंड क्लोज में क्या है, नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी कंस्ट्रूड टू अफेक्ट द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स फॉर द हिल्स एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जैसे वेस्ट बंगाल बोला जाएगा या बंगाल, बंगाल बोला जाएगा ना। देखो इसमें ये बताया गया है इस क्लोज में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल में, वहां पे म्यूनसिपालिटी की जगह कौन काम करता है, दार्जिलिंग गोरखा हिल्स है, ठीक है, वो काम करती है, तो इसलिए वहां पे स्पेशली म्यूनसिपालिटी नहीं है। इतनी सी बात ही बोल रहा है सेकंड क्लोज। उसके बाद थर्ड क्लोज क्या बोल रहा है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे बाय लॉ एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट टू द शेड्यूल्ड एरिया एंड द ट्राइबल एरियाज रेफर टू इन क्लोज वन सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाई इन सच लॉ एंड नो सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। थर्ड क्लोज में ये है कि भाई अगर पार्लियामेंट सही समझती है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज में भी म्यूनसिपालिटी प्रोवाइड कर सकती है, अगर पार्लियामेंट सही समझती है, वहां के लोग भी चाहते हैं, ट्राइबल्स एरिया और शेड्यूल एरिया के लोग चाहते हैं कि भी हाँ वहां पे डेवलपमेंट हो, इस तरह से भाई वहां पे नॉर्मल चीजें होती हैं, तो पार्लियामेंट लॉ बना के वहां पे म्यूनसिपालिटी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, एक चीज तो होगी यहाँ पे ये। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि जो भी अमेंडमेंट होगा भाई ट्राइबल एरिया शेड्यूल एरिया के लिए भाई म्यूनसिपालिटी आएगी, तो कोई अमेंड होके आएगी ना, किसी चीज में बताई जाएगी भाई इन एरिया में भी म्यूनसिपालिटी है, ठीक है, लॉ बना के बताया जाएगा। तो क्या है कि जब लॉ बना के कोई भी अमेंडमेंट आएगा या एक्ट आएगा तो आर्टिकल 368 में होते हैं भाई, जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो आर्टिकल 368 में होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। और अगर पार्लियामेंट शेड्यूल ट्राइब्स सॉरी शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल एरियाज के लिए, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के लिए म्यूनसिपालिटी लाएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, वो इस आर्टिकल के अंडर में हो जाएगा एक्ट प्रोविजन, ठीक है। मतलब सिंपल सी चीज ये है कि यार इस आर्टिकल के अंडर में जो भी काम होगा ना, इस आर्टिकल के अंदर में हो जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो प्रोविजन आएगा भाई, उसमें बताया कि शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया में म्यूनसिपालिटी लेके आनी है, तो वो एक्ट आ जाएगा, प्रोविजन आ जाएगा, उसके हिसाब से काम हो जाएगा। तो यही था हमारा आर्टिकल 243 ZC। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो यार।